सिंप्लीफिकेशन है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जो बेसिक क्राइटेरिया आपको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, या तो आपका कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, या फिर जो मैं बेसिक से तो करा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। मैं स्टेप बाई स्टेप करवा देता हूँ। अगर मैं पहले वाले की बात करूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, रूट को मैं फिलहाल नहीं लिख रहा हूँ, 1/4 प्लस में 1/9, एल से हम लोग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 प्लस में हो जाएगा कितना 9 प्लस में 4, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 49/36, 49/36 जो कि रूट में आएगा, और रूट से बाहर निकलेगा तो 7/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू 7/6 आ गई। यहाँ पर 1 प्लस 1/9 प्लस 1/16, जब आप इनका एल से हम लोग 144 हो जाएगा, ये 144 प्लस में 16 प्लस में 9, जब आप इनको ऐड करोगे कितना हो जाएगा भाई आपका, ये 9 6 15 4 19, यानी कि 169/144। एल से हम लेंगे कितना हो जाएगा आपका 13/12। उसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो इसको ले सकता हूं कि 1 प्लस 1/16 प्लस 1/25, एल से हो जाएगा 16 5 80 और 16 2 का 32 और 8 400, यानी कि हो जाएगा 400 425 और प्लस में हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा आपका भाई 6 5 11, यानी कि 4 4 1 होना चाहिए, जो कि 21/ में हो जाएगा कितना आपका 20। अब सबको ऐड करना है आपको, 7/6 प्लस में 13/12 और प्लस में 21/20। देखो नीचे के बेस सबको सेम कर लो। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, हमें सेम करने के लिए 60 बनाना पड़ेगा ना, सबको 60 बनाना पड़ेगा, यानी कि एलसीएम लेना पड़ेगा 60। तो जब 60 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 10/12, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 70 प्लस में, ये कितना हो जाएगा आपका 13 5 65 और प्लस में कितना हो जाएगा आपका 63 अपॉन में एलसीएम। हम जब हमने लिया इसका तो कितना आया, 60 निकल कर आया। जब हम इसको ऐड करेंगे 5 3 8 और 6 6 12 7 19, 198/60 जो कि 6 बार में कट जाएगा, 6 से 10 बार में जाएगा, 6 3 18 3 6 3 18 1 19 6 3 18, यानी कि 33/10, 33/10 ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन था। अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी आती है तो आप इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट के अंदर अंदर कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचने के, देखो यार कुछ नहीं था इसमें, था ही क्या, जोड़ घटाव था, ठीक है। तो जितना फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे उतना फास्ट इस क्वेश्चन को करोगे। अदरवाइज कोई इसका तो ट्रिक है नहीं, हमें आपको ट्रिक बता दें यहाँ से, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।